करवा चौथ की सोच रहे हैं आप खरीदारी करना, फिर देर किस बात की, क्योंकि आपके सुनहरे पलों को और खूबसूरत बना रहा है बट जनरल स्टोर सरथली, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर मिलेगा आपको करवा चौथ का सारा सामान, व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत खोलने तक का। इसके अलावा सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, चुनरी, पूजा किट, इसके अलावा और भी है बहुत कुछ। बस अभी आए और करें खरीदारी 50% डिस्काउंट के साथ। कॉल करें हमारे नंबर 9906353285 पर। में हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं सरफराज, और सरफराज से बात करते हैं। इन्होंने जो है वो बनी हल्का से जो है इंतखाबात में हिस्सा लिया, जानते हैं सरफराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारी उम्मीदें थी आपको भी कि लोगों का एक प्यार जो है वो मिल पाएगा, लेकिन वो तो मिला नहीं। बहरहाल कहना क्या चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया, तो फिर मैं ग्राउंड के हालात, इस इलेक्शन जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनने के बाद 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुई, इसमें खाली मैं ग्राउंड के हालात को चेक कर रहा कि इसमें होता क्या था। मैंने फार्म भरा खुद, इसमें पूरे जो भी हालात मैंने चेक करने थे, क्या कैसे फॉर्मेलिटी लगती है, फाइल मैंने बनाई। एक बार फाइल में कुछ दिक्कत आई, फिर मैंने सोचा कि टाइम हो जाएगा, रह जाऊंगा मैं। फिर मेरा एक दिल में मेरे एक दुख रहना था, लेकिन फिर मैंने दोबारा फाइल की कोशिश, फाइल मेरी सबमिट हुई, उसके बाद फाइल में कोई किसी की कमी पेशी नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन में कैंपेन में आया, मैंने अपना जो भी काम था इसमें जो रहता है पोस्टर अपने हर चीज, लेकिन 2024 के असेंबली इलेक्शन में एक मेरा मकसद ये था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर है बेरोजगारी, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान काफी आज की डेट में काफी एवरेज हो चुके हैं, लेकिन उनका एक मिशन था, सबसे बड़ा एक मेरा मकसद ये था इसको एक बेरोजगारी को लेकर। पहला ये था कि जो मेरे क्लासमेट है, हम उम्र है जूनियर सीनियर है, 2016 में जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस की एक जो मतलब पोस्टें आई, उसकी भर्ती हुई, उसके बाद 8 साल हो गए, फिर हमें ना फार्म भरने का मौका मिला कि हम फार्म भरें और पुलिस के अंदर आए। उसके बाद हमें मीडिया पर बात आई, मैंने मीडिया वालों को खुद बुला के अपने गांव डुगन में बुलाया कि हमें एक रिलैक्सेशन की डिमांड है। उसके बाद 16 अगस्त को MCC लागू हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस बंद हो गया। तो अभी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है, तकरीबन इलेक्शन होने के बाद तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासतदान इस समय 90 सीटों के ऊपर जीत कर आए, तो उनको मैं तमाम को आज बनी की हसीन वादी शाम की मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ। खासकर कश्मीर डिवीजन से एनसी पार्टी ने अच्छी लीड की है, तो अच्छी 42 सीटों ने जीती है, तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जम्मू डिवीजन से भाजपा ने भी अच्छी सीटें निकाली है, तकरीबन 29, तो उनको भी मैं दिल के मेरी गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खासकर बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर साहब परमेश्वर सर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 2048 वोटों की लीड से उन्होंने पहली बार पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने के बाद, खास सियासत के माहौल में, सियासत के दुनिया में आने के बाद उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की है, तो उनको मैं इस हसीन पानी की वादी से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हमारा एक इसी इलेक्शन के दौरान, तो मैंने बताया था कि अभी हमारा इस इलेक्शन के बाद हमारे एक ट्रस्ट बनने जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बन, जिसमें मैं और हमारे जो मेंबर होंगे तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर कोने से हमारे साथ पब्लिक आ रही है, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप इस इलेक्शन के बाद हम आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, और 2000 जो आगे 29 में जो इलेक्शन आएगी खासकर असेंबली की, तो इसमें भी फिर हम एक पार्टी की तरफ से आएंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें हर एक गरीब परिवार के लोगों की मदद करेंगे, हर गाँव में कैंप लगेंगे, और जिसमें गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ने के काबिल होते हैं, जिसमें हर एक कम्युनिटी के बच्चे होंगे, उसको एक अच्छी तरह से हम उनका योगदान करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ताकि अच्छी एक क्वालिफिकेशन हासिल करें और अपने जिंदगी में अपना एक नाम बनाएं। दूसरा, हमारा इस गवर्नमेंट बनने के बाद एक का हमारे इस खासकर डॉक्टर मिश्र सर जी की अपील करता हूं कि जैसे अभी वो कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट बनने जा रही है, वो लेंगे, तो हमारे एक बनी तो हम सड़क का एक इशू है, तकरीबन 5-7 साल हो गए ब्लैक टॉप होने के बाद, तो हमारे गरीब परिवार के लोगों को अभी इसका क्लेम वगैरह नहीं मिला जो गरीब लोगों की जमीन रोड में आई है।
एक उनसे मैं एक ये भी मांग करूंगा कि आप असेंबली में सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी, इन सवालों को भी वहां पर उठाएं। दूसरा, बानित बहन सड़क बाया देरी गला कटली बिलावर के साथ जोड़ने का भी एक मिशन रहेगा। अगर वो इस काम को असेंबली में उठाते हैं जो पब्लिक से एक वादे किए गए हैं, तो अगर उन पर अच्छा, मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि उनको एक ओहदा मिले एक मिनिस्ट्री का, उसके ऊपर अगर रोड वाला उनको एक ओहदा मिल जाता है तो इसमें बड़ा एक अच्छा रहेगा। फिर बानित बहन सड़क बिलावर कटली के साथ अगर मिल जाती है तो इसमें ये फायदा होगा कि हमारा जो कठुआ वाला सफर है वो बड़ा आसान हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा एक इशू ये रहेगा। फिर हमारा ये ठक्कर से पाया उधमपुर के लिए रोड की एक डिमांड रहेगी, ताकि हमारा कश्मीर में जाने के लिए एक रास्ता आसान हो जाए। तो ये हमारे कुछ जो ब्लैक पिछले 10 बरस से, पिछले कई सालों से कुछ लोगों के अभी मसले हल नहीं हुए, तो एक इसे सरकार बनने के बाद, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद एक अच्छी उम्मीद रहेगी। डॉक्टर साहब से हमारे इसमें मौजूदा एमएलए हैं, और मैं सभी लोगों की तरफ से और खासकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की 4 ब्लॉक 47 पंचायत की जो आवाम है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनकी भी मैं अपने से चैनल के वसादे से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इलेक्शन में मैं भी खड़ा था, मैं ग्राउंड के सूरत हाल को चेक कर रहा था, लेकिन पब्लिक ने मेरे हक में वोट दिए हैं, जितने भी दिए हैं तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी मेरे साथ इतनी फैमिली अभी मेरे साथ है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस ग्राउंड के सूरत हाल पर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैंने घर में आके लोगों से वोट भी नहीं मांगे, लेकिन ये है कि फिर मैं इस हालात को अगर थोड़ा और गहराई में लेता तो फिर कुछ दिक्कत परेशानी रहती, लेकिन फिर भी मैंने एक अपना मकसद बनाया था कि इस इलेक्शन में खाली ग्राउंड चेक करना, हालात का एक सोते हाल में जायजा लेना है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से या किसी जम्मू कश्मीर की तमाम जो 90 सीट है उनके ऊपर हर एक को राइट है कि वो फार्म अपना भरे आगे आए। मैं एक पढ़ा लिखा हूं और मैं जानता हूं कि आज की तारीख के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी काफी अरूज, मतलब अरूज पर आ रही है, आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। तो इस खूबसूरत हसीन वादी के जो जितने भी पब्लिक यहाँ की है, इनका भी मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही मांग करता हूँ कि जल्द ही 4-5 दिन के अंदर गवर्नमेंट जैसे बनती है, उसके बाद हमारे जो डेली वेजर हैं उनके इशू आएंगे, खासकर इसमें एसपीओ की उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, और जो तकरीबन 60,000 जो डेली वेजर है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट बनने के बाद फौरन उनको परमानेंट किया जाए, ताकि अगली जो गवर्नमेंट आएगी फिर पब्लिक उनको जो डेली वेजर है उनको अच्छा उनका साथ देंगे, और अच्छी रेट से हर एक पार्टी आगे आएगी, फिर मतलब सरकार बेहतरीन बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे सरफराज अहमद, और जिन्होंने यहाँ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें जो है भाग लिया था, हालांकि जनता का प्यार और जनता की सपोर्ट जो है इनके साथ नहीं रही, लेकिन आज भी उसी बुलंद आवाज से अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों की बात को रख रहे हैं, और खासतौर पर बनी की हर एक मुद्दे की बात रख रहे हैं और उसे बुलंद भी कर रहे हैं। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज़ प्रेशर। क्या आपको पता है आपकी बनी में आपकी गाड़ी की बेहतर माइलेज, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्पीड, बेहतर पावर के लिए खुल चुका है एचपी का नया पेट्रोल पंप, जय चंडी माँ पेट्रोल पंप बनी के सारथली में। यह है नया पेट्रोल पंप, वह भी एक अच्छे माइलेज पावर फ्यूल के साथ। तो फिर जब आप सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में माइलेज वाला ऑयल डलवाना, तो जय चंडी माँ पेट्रोल पंप है ना। हमारा पता है बनी बसोली रोड नियर पावर हाउस सरथली।